इसराइल ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 19 अप्रैल 2024 को इसराइल ने ईरान पर कई बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। ईरान के इस्फहान शहर के एक सैन्य अड्डे पर इसराइल ने बड़ा हमला किया था। ऐसा माना जाता है कि इस्फहान शहर में ईरान के कई परमाणु ठिकाने और बड़े सैन्य अड्डे हैं जो इसराइल के निशाने पर थे, और इस हमले के बाद से अभी तक ईरान ने इसराइल पर कोई जवाबी हमला नहीं किया। लेकिन ये जरूर हुआ कि ईरानी राष्ट्रपति लगातार पाकिस्तान के नजदीक आ रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि ईरान पाकिस्तान से परमाणु तकनीक या फिर परमाणु हथियार चाहता है, जिससे वो इसराइल को सबक सिखा सके। और अब इसी कड़ी में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने 3 दिन के पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे हैं, जहां एक बार फिर से उन्होंने इसराइल को ललकारते हुए कहा कि अगर इसराइल ने एक और गलती की तो इसराइल के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। रईसी का कहना है कि अब अगर इसराइल ने दोबारा ईरान पर हमले की गलती की तो हालात बिल्कुल अलग होंगे और इसराइल के लिए कुछ नहीं बचेगा। रईसी ने अपने इस बयान में आगे कहा कि आज ईरानी राष्ट्रपति इसराइली शासन के भ्रष्टाचार, अत्यधिक मांगों और उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा है और ऐसा करना जारी रखेगा। ईरान और पाकिस्तान दोनों देश उत्पीड़ित फिलिस्तीनी राष्ट्र के रक्षक रहे हैं और गर्व के साथ उस रास्ते पर चलते रहेंगे। आपको बता दें कि रईसी पाकिस्तान के लाहौर भी गए थे, जहां पर उन्होंने लाहौर की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा, लाहौर आने का मेरा उद्देश्य दिवंगत इकबाल लाहौरी को सम्मान देना है और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना है, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान की संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। आपको बता दें कि रईसी ने जिस इकबाल की बात की है उसका पूरा नाम अलामा मोहम्मद इकबाल है, जिन्हें इकबाल लाहौरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच संबंध 1969 की इस्लामिक क्रांति के बाद से मजबूत होने लगे हैं। रईसी का कहना है कि दोनों देशों के नेताओं की इच्छा ने ईरान और पाकिस्तान के दोस्ताना संबंधों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों को अप्रभावी कर दिया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से पहले ईरान और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी तलखी भी आई थी, क्योंकि 16 जनवरी 2024 को ईरान ने पश्चिमी पाकिस्तान में एक मिसाइल हमला किया था, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी और 3 अन्य घायल भी हुए थे। यह हमला पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ था और ईरान ने इस हमले को लेकर कहा था कि उसने जैश अल अदल आतंकी संगठन को निशाना बनाया है, जो ईरान का एक आतंकी संगठन है। और इस हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान से अपना राजदूत वापस बुला लिया था और ईरान के राजदूत को पाकिस्तान में घुसने नहीं दिया था।